नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्स शो में, जिसमें हम जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए देखते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर। पहली खबर है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया है। वह भारतीय दौरा करने वाले कौन से राष्ट्रपति, यानी इससे पूर्व कौन कौन से राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। दोस्तों, दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की राजधानी गुजरात के अहमदाबाद में उतरे, जहां पे उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। एयरपोर्ट से उन्होंने मोटेरा स्टेडियम तक एक मेगा रोड शो किया। इससे पूर्व वो साबरमती आश्रम गए तथा मोटेरा स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता वाला, दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम है, यहाँ 110,000 की क्षमता का स्टेडियम बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, वहाँ पे उन्होंने एक विशाल जन समूह को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। इसके बाद वह आगरा के ताजमहल का दीदार अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ करने गए और आज दिल्ली में वह राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, जहाँ पर उन्हें राष्ट्रपति भवन गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तथा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पूर्व अमेरिकी के 5 राष्ट्रपति भारतीय दौरा कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप 6वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 5 राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? सबसे पहले डी आइजनहावर वर्ष 1959 में भारतीय दौरे पर आए थे। उसके बाद रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा। बराक ओबामा अपने दोनों कार्यकाल के दौरान भारतीय दौरा किया। तो डोनाल्ड ट्रंप 6वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारतीय दौरे पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMMDA पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। EMMDA, एनसेम्बल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डेटा एसिमिलेशन, इस पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चंडीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद और नोएडा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में EMMDA पे एनसेम्बल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डेटा एसिमिलेशन पे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इसका उद्देश्य नए अनुप्रयोगों के विकास के लिए जानकारी प्राप्त करना, एनसेम्बल प्रक्रिया और संभावित पूर्वानुमान के उपयोग की नवीनतम तकनीक पर चर्चा करना। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। EMMDA क्या है? इनसेम्बल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डेटा एसिमिलेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला वैज्ञानिक को SERB साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्टता 2020 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर नीति कुमार, गगन दीप कंग, डॉक्टर साइमा यूनुस खान और सौम्या स्वामीनाथन। तो हाल ही में CSIR की एक बॉडी है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, वहाँ की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नीति कुमार। उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का SERB 2020 महिला उत्कृष्टता अवार्ड नामित किया गया और यह अवार्ड उन्हें दिया जाएगा विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को उनके विज्ञान में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और ये किस पे कार्यरत है अभी, CDRI, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है, जबकि गगनजीत कंग रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और अभी हमने पिछले अंक में पढ़ा था डॉक्टर साइमा यूनिस खान, इन्हें IADR की फेलोशिप के लिए चुना गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च, और ये AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर नीति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू सेवन की कानूनी उम्र को बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू सेवन की जो टोबैको कंजम्पशन की उम्र को बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया गया है। 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया गया और स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन। इससे रिलेटेड एक अधिनियम लाया गया था दोस्तों, COTPA, कॉटपा, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। तो इस एक्ट में संशोधन करके 18 वर्ष से 21 वर्ष की एज की जाएगी टोबैको कंजम्पशन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार निम्न में से कौन सा देश बन गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, अमेरिका, रूस और जापान। तो हाल ही में वाणिज्यिक मंत्रालय ने आंकड़े घोषित किए जिसके अनुसार अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ते हुए व्यापारिक भागीदारी में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसमें भारत और यूएस के बीच वर्ष 2019-20 के लिए जो द्विपक्षीय व्यापार था वो लगभग था $68 बिलियन का, $68 बिलियन का, जबकि चीन के साथ वर्ष 2019-20 में लगभग $65 बिलियन का था, $65 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विद्यालयों में पॉस्को सेल बनाए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार ने स्कूलों में पॉक्सो सेल बनाए जाने की घोषणा की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि स्कूलों में जल्द ही विशेष पॉक्सो सेल बनाए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो यौन दुराचार एवं शोषण की शिकायतों को सुनेंगे। अब पॉक्सो एक्ट है क्या दोस्तों? पॉक्सो एक्ट मैं आपको बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। भारत सरकार ने बच्चों को दुराचार एवं शोषण से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 पारित किया था और अभी किस राज्य सरकार ने पॉक्सो सेल स्कूलों में बनाए जाने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने। बिहार के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। बिहार में प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर पाटलिपुत्र, राजगीर तथा गौतम बुद्ध की कर्मस्थली बोधगया है। यहाँ पे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बिहार में स्थित हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्या नडेला ने भारत की यात्रा की है, वह किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सत्या नडेला? इन्होंने भारत की यात्रा की है। तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और ये भारतीय मूल के नागरिक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय यात्रा की है। जबकि गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, ये भी एक भारतीय हैं और IBM के CEO अभी कुछ ही समय पहले बने हैं श्री अरविंद कृष्णा, ये IBM के अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी IBM के CEO हैं। और अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में 100x100x100 कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम क्या है दोस्त? ये माइक्रोसॉफ्ट भारत में B2B बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप के उद्देश्य से 100x100x100 कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें अगले 18 महीने में लगभग $10,000 निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके अंतर्गत 100 कंपनियां और 100 शुरुआती और विकास स्टार्टअप को शुरू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोक सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? नोक सोलर पार्क हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, आइए जानते हैं नोक सोलर पार्क क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो नोक सोलर पार्क
अभी चर्चा में क्यों है, ये राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर में एक अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है और इसको बना कौन रहा, राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है और ये है 925 मेगावाट का। और हाल ही में आरएसडीसीएल ने एनटीपीसी के साथ इस पावर प्लांट को बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है और एनटीपीसी इसमें लगभग 3500 करोड़ का निवेश करेगा नोक सोलर पार्क को बनाने के लिए। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है। राजस्थान के बारे में जानते हैं दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है जयपुर को। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं श्री कलराज मित्र। यहाँ पे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर जैसे सिद्ध ऐतिहासिक किले हैं, जंतर मंतर स्थित है। राजस्थान पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पे प्रसिद्ध नेशनल पार्क रणथंभौर, केवला देव और डेजर्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वीं कांस ओपन टाइटल निम्न में से किसने जीता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विदित गुजराती, डी गुकेश, एस पी सेथुरमन और जॉर्ज एंथनी। तो हाल ही में जो 34th कांस ओपन प्रतियोगिता हुई थी फ्रांस में हुई थी, तो इसका टाइटल जीता है डी गुकेश। ये 13 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है, जबकि विदित गुजराती, एस पी सेथुरम और जॉर्ज एंथनी ये सभी भारतीय चेस के प्लेयर हैं। चेस की सर्वोच्च संस्था होती है दोस्तों फिडे, FIDE। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। चेस के विश्व के नंबर एक खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, और भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुनील गुरबख्शानी को किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नाबार्ड, धनलक्ष्मी, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो सुनील गुरबख्शानी को हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों त्रिशूर, केरला में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में और इसके प्रबंध निदेशक चुने गए हैं सुनील गुरबख्शानी, जबकि नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो है चिंतला गोविंद राजू, CG राजुलू, ये इसके वर्तमान के प्रबंध निदेशक हैं। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं अमिताभ चौधरी और ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक हैं संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चार ऑप्शन दिए हैं, CSIR, IISC, TIF और IISER। दोस्तों यह एक अनुसंधान कार्यों पर आधारित इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जबकि IISC ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और पहला स्थान प्राप्त किया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी CSIR की 1942 में और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और हाल ही में जो अभी इसके जो CSIR के DG हैं डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे, ये डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के और CSIR के द्वारा एक प्रसिद्ध विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो शुरुआत हुई जिसकी वर्ष 1958 में और इस पर राशि दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा।
तथा 15,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाता है। कब तक? 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष तक की आयु तक 15,000 रुपये का प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 21 फरवरी 22 फरवरी 23 फरवरी और 24 फरवरी। तो हाल ही में 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया और इसकी 2020 के लिए जो थीम थी, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये इसकी वर्ष 2020 के लिए थीम थी और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है गर्ल्स स्काउट गाइड के द्वारा। विश्व भर की लड़कियों को एक दूसरे के बारे में सोचने जानने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा क्लब AFC चैंपियनशिप लीग के ग्रुप चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, गोवा, चेन्नई और मुंबई। तो हाल ही में जो इंडियन सुपर लीग चल रही है, उसमें गोवा ने जमशेदपुर की टीम को हराकर AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के ग्रुप स्टेज में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। कौन सा फुटबॉल क्लब? गोवा यह ऐसा करने वाला पहला फुटबॉल क्लब है। और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था दोस्तों फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, जबकि भारत की फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ISL क्या है दोस्तों? इंडियन सुपर लीग। इसका आयोजन वर्ष 2013 से किया जा रहा है और जो लास्ट इसका विजेता है वो रहा है बैंगलोर। वर्ष 2018-19 का ISL का विजेता रहा है बैंगलोर और अभी जो हाल ही में चल रही है तो इसका फाइनल होगा गोवा में और गोवा की टीम अभी सीट्स पे है और गोवा पहला ऐसा फुटबॉल क्लब है जो AFC चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज में प्रवेश करने वाला भारतीय क्लब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, भारत, रूस और जापान। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो विश्व कप है वर्ष 2020 में, इसका आयोजन होगा रूस में, इसका आयोजन होगा रूस में और ये नए फॉर्मेट पे पहला विश्व कप खेला जाएगा। दोस्तों विगत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने AIBO को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण ओलंपिक दर्जा समाप्त कर दिया गया, उसके बाद से यह विश्व कप का एक न्यू फॉर्मेट में पहला संस्करण होगा और इसका आयोजन किया जाएगा रूस में और इसका मोटो है बॉक्सिंग फॉर पीस, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी विजय के 75वीं वर्षगांठ पे इसका आयोजन किया जाएगा, 75वीं वर्षगांठ पे रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी एलेक्स डेंसन बैनेट ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन। तो दोस्तों ब्रिटेन की प्रसिद्ध महिला हॉकी कप्तान एलेक्स डेंसन बोट ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये वर्ष 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली जो टीम थी उसकी सदस्य रही थी। इनका संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कुमार और अमिताभ बच्चन। तो हाल ही में दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान से सम्मानित किया है। लंदन गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान से सम्मानित किया गया है जाने माने अभिनेता मनोज कुमार को। मनोज कुमार वर्ष 2015 में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार, जबकि दिलीप कुमार वर्ष 1994 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। शशि कपूर इन्हें वर्ष 2014 में
दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, और हाल ही में जो 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2018 के लिए, वो दिया गया है 2019 के लिए अमिताभ बच्चन को, और ये 50वां संस्करण था। आइए जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और यह सम्मान दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। सूचना प्रसारण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। यह सम्मान दिया जा रहा वर्ष 1969 से, और पहला अवार्ड दिया गया था अभिनेत्री देविका रानी में, और हाल ही में 50वां अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एससीओ की 9वीं बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? एससीओ क्या दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चार ऑप्शन दिए गए, नई दिल्ली, इस्लामाबाद और बिस्केक, नूर सुल्तान। दोस्तों एससीओ की 9वीं बैठक का आयोजन हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ की कार्यकारी समूह की बैठक की मेजबानी की है इस्लामाबाद शहर ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी, इस्लामाबाद। आइए जानते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ की स्थापना हुई वर्ष 2001 में। इसके टोटल सदस्य मेंबर्स हैं जो हैं 8 हैं। वर्ष 2017 में भारत पाकिस्तान इसके पूर्ण रूपेण सदस्य बने हैं। यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, और इसके सदस्य हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मॉडल तैयार किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2020 मॉडल, 30-30 मॉडल, 40-40 मॉडल एंड 50-50 मॉडल। दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 2020 शहरों को जो शीर्ष 20 शहर हैं उनको निचले 20 शहरों के साथ जोड़े रखने के लिए 20-20 मॉडल, 2020 मॉडल तैयार किया है। एक सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, सिस्टर सिटी में जिसमें जो शीर्ष शहर है उसका एक निचला शहर सिस्टर सिटी होगा जो उसे तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा उस शहर को डेवलप करने के लिए। और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसके शहरी विकास मंत्री भारत के श्री हरदीप पुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, 2020 मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का परीक्षण किया जा रहा उसका नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ई रिपल, ई मोनेरो, ई लिब्रा और ई क्रोना। तो स्वीडन के रिक्सडॉग में हाल ही में विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा का परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ के रिक्स बैंक में ई क्रोना का परीक्षण किया जा रहा है, यानी ये दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी होगी। इसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, ई क्रोना, जबकि ई रिपल, मोनेरो और लिब्रा ये क्रिप्टो करेंसी है। और लिब्रा के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, ये फेसबुक के द्वारा शुरू की गई थी वर्ष 2019 में, ये क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना वैश्विक निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, संगीता रेड्डी, विजय आडवाणी, विक्रम किर्लोस्कर और निरंजन हीरा चंदानी। तो हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने विजय आडवाणी को अपना वैश्विक निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। USIBC यानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। यह भारत तथा अमेरिका को व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए सलाह प्रदान करता है, और इसके लिए अभी अपना निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना है विजय आडवाणी को, जबकि संगीता रेड्डी फिक्की की प्रेसिडेंट हैं। फिक्की क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
विक्रम करलोस्कर CII के चेयरमैन हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जबकि निरंजन हीराचंदानी एसओचैम के चेयरमैन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, विजय अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली स्क्वाट मशीन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद विहार दिल्ली, हावड़ा कोलकाता, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई और चेन्नई सेंट्रल। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में देश का पहला रेलवे स्टेशन बना आनंद विहार, जहाँ पे स्क्वाट मशीन सेटअप किया गया है। इसमें यदि कोई व्यक्ति तीन मिनट में 30 स्क्वाट लगाता है तो उसे फ्री टिकट दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल के द्वारा यह घोषणा की गई है। यह स्वास्थ्य परक मशीन है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह स्क्वाट मशीन शुरू की गई है। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आगामी वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।